मुसलमानों की दुकानों में नाम देख देख कर सर आग लगाई है दुकानों में। बच्चियों को रात भर मार मार के जय सिया राम बुलवाई है बच्चे इनसे। पुलिस देख तो जाती है, मालिक जानता वो कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही। कुछ लोगों के नाम भी लिखवा दिए, मालिक जाने वो पकड़े जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब खान तक बर्दाश्त करे आदमी, क्या मुसलमान इस दुनिया हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो शाम को चले गए 6 बजे नमाज पढ़ के, है हमको डर लगा। फिर न्याय लौट के 8 बजे इस गली में से कोई बामन का बबलू नाम का मेरे शटर तोड़ गया और यहाँ में 50,000 रुपया धरे अंदर और 3-4 हजार का माल है मेरा और गले तोड़ गया। मैं तो विधवा हूँ, 35 साल से 70 साल की उम्र है मेरी, मैं तो यही में जल जाती। मेरा तो 2-3 लाख का हो गया, पैसा नहीं है एक भी। हमारे रोजे चल रहे हैं, अल्लाह ने दे दिए 2-4 सौ रुपया, जब कुछ कार्रवाई कर लेंगे। खाने पीने की कुछ नहीं है लाल आत्मों पे। सर ये मेरी दुकान है रिजवान नाम से सर, और मेरी दुकान में सर इन लोगों ने आग लगाई, लूटपाट करी थी और इसमें सामान था सर करीब 8 से 10 लाख रुपए का माल था। इसमें पूरी दुकान भर रही थी, इसमें आग लगा दी गई थी और जय श्री राम और इनके नारे लगा रहे थे वो लोग, और हम तो दुकान लगा कर चले गए। नोट थे इसमें, पैसे थे दुकानदारी के सारे, वो सारे लूट कर ले गए सर। मुसलमानों की दुकानों में नाम देख देख कर सर आग लगाई है दुकानों में। यहाँ सर 6-7 बजे के बीच कोई लड़ाई हुई थी, वहाँ भड़काऊ भाषण दिए थे मस्जिद के आगे, उन्होंने नारेबाजी गलत लगाई थी, बोल रहे थे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है। वहां से क्या मस्जिद के आगे कुछ लोगों ने गुंडागिर्दी करी थी, उससे मुसलमान थोड़े खिस गए थे, उनने थोड़ा सा उन पर लाठी चार्ज कर दिया। जब ये भड़काऊ भाषण दिए थे तो वहां से कुछ गुंडे आए, 150-150 गुंडे आते हमारे बाजारों में आके और उसने डायरेक्ट हमारी दुकानों पर हाथापाई स्टार्ट कर दी और हम दुकानों पे से भग गए, हमारी दुकानों का माल लूट के ले गए। करीब मेरी दुकान में 60-70 हजार रुपए तो केस थे दुकानदारी के, उनको ले गए। पेटा था, नमकीन थी और चीनी के कट्टे थे 50, उनको ले गए और सारे माल को लूट के बाहर पटक दिया और उसके बाद दुकान पर आग लगा दी। उनके हाथों में सबों के हाथों में हथियार थे, लाठी थी, डंडे थे, तलवार थी, बंदूक थी, सारे हथियारों से आए थे। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड टिल नाउ in the Karoli incident? 30 Muslim, 10 Hindu. And kitna damage hua hai, matlab kitna shops total jala hai? 80 Hindu ka 10 ke aas paas hai, aaya tha police ne, isi wajah se koi casualty bhi nahi hui, kisi ke zyada chot bhi nahi hai, isi wajah se nahi hai kisi, kyunki police ne time pe book ki thi। Buri tarike se bol rahe the, buri tarike se Hindustan mein rehna hai to jis ye ram kehna padega, jar सर झुकाकर टोपी वाले को खूब पाँव मसल मसल के नीचे बोल रहे थे हमारे पैरों में गिनना पड़ेगा और पाकिस्तान भगा देगी तुम लोगों को, यहाँ रहने नहीं देंगे। और मेरी छोटी वाली बहन पर तो खूब पथराव किया हमने, और हम लोगों की तो शादी थी जुलाई में, तीनों बहनों की शादी थी, सब पूरा बर्बाद हो गया। जहाँ हमारा देश का सामान भी रखा था हमारे घर पर, उस मेरी 3 मंजिल का शोरूम था उसमें ऊपर रख रखा था, पूरी जल के खाक हो गई। हमारे बच्चे सो रहा था अंदर और हमारे बच्चे को उठा के यहाँ घर में से ले गए, उठा के नहीं, अब ये सब पता नहीं है। अब 20-25 जने आए यहाँ पर, लेडीज और जेंट्स भी थे, बच्चे को बड़े अफसर भी आए और पुलिस वाले आए, पता नहीं हम नहीं जाने ऐसे
17 साल की उम्र है, 16-17 साल की उम्र है, और पीसी रिमांड पे ले गए, 2 रिमांड पे भेज दिए मैं बच्चे को। वहां पर भी गई थी मैं, उस थाने पे जो लड़कर फटकार के भगा दिए लोग, चला चले यहाँ से। मैं कि भाई क्या बात है यार, कैसे ले जा रहा, क्योंकि माँ लड़ाई में था। मैं कि मेरा बच्चा कोई लड़ाई में नहीं था, मेरा बच्चा घर पे था, और मैं इसको मेरे सामने नमाज पढ़ने गया, मैं पूछ के वो मेरे को ले जा रहे साहब, देखो तू भी चल सर, मैं हाथ पकड़ लिया मेरा, फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने, अरे के साबित है इसका बाप है। मेरी भाभी ने की मेरे बच्चे को क्यों ले जा रहे हो, तो बासन जो बोले कि थोड़ी देर में छोड़ जाएंगे। फिर क्या कह, मेरी भाभी ने की कि मैं तो विधवा हूँ भाई, मेरे बच्चे को मत ले जा, तो पुलिस वाले जो कह रहा हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, हम बन जा तेरे कसम, और हमारे घर पे है हमारे बच्चे, दंगा हुआ खाई और हम रह में खाई। इनकी फैमिली सर ये बोल रही है कि इनको पुलिस ने मारा जब थाने में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इनसे बुलवाया गया कि जय श्री राम बोलो। नहीं नहीं वो सब गलत चल रहा है, पुरानी वो है, बच्चे इनकी पढ़ाई हमारे सामने हो रही है, और हम तरस तरस के देख रहे हैं, आंसू के खून के आंसू हो रहे हैं, लेकिन इन सरकारों को तरस नहीं आता। 8 दिन हो गए बच्चे, अभी तक कोई नहीं बता रहा है बच्चा थाने पे है जेल में, कोई पते नहीं है हमारे घर, थाने पे घुसन नहीं दिया, और बजरंग दल वाले आरएसएस वाले खूब थाने पे घुस रहे हैं, और आराम से कुर्सी पे बैठा ले उनके काज, क्या मुसलमान इस दुनिया हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या ये काफिरी का पूरे हिंदू हिंदू हिस्सा है पूरे, हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक रहें, हम कभी दंगा नहीं चाहते,